जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए या अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखना चाहिए। कि जो भी अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको ये प्रॉब्लम आता है, वो अपना क्रिकेट और पढ़ाई कैसे मैनेज करें। क्योंकि हमारे घर वाले चाहते हैं कि हमारा लड़का जो है पढ़ाई करके आगे बढ़े और हम अपना क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये मैटर बहुत ज़्यादा फंस जाता है और हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो आज उसी का सोल्यूशन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो कर देना लाइक और साथ में कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें जो है क्रिकेट और पढ़ाई कैसे मैनेज करना है। इसके लिए हम आपको कोई टाइम टेबल नहीं बताएंगे, बट आपको कैसे मैनेज करना है, आप क्या कर सकते हो, आपको मैं वो सजेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप 8 से 9 साल के हो तो आपको जो है क्रिकेट में अगर अपना करियर बनाना है तो आप अपने घर पर रहकर भी पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हो और जो है क्रिकेट खेल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके बगल में कोई भी अकेडमी या फिर आपके कोई डिस्ट्रिक्ट में अकेडमी है तो आपके वहाँ पे सिंपली जाना है एंड वहाँ पे एडमिशन करा के, आपका अगर स्कूल सुबह में है तो आपको शाम के टाइम में रजिस्ट्रेशन करा लेना कि मैं शाम में प्रैक्टिस करूँगा। तो आप इस एज में जो है अपने प्रैक्टिस को आप कम से कम 50% तो दे ही सकते हो। मतलब अगर आप आधा पढ़ाई कर रहे हो तो आधा आप क्रिकेट खेल सकते हो। तो अगर आपकी एज जो है 10 साल से ऊपर है और आपकी क्लास अभी 9th है, 9th में तो आपको तो पता ही चल जाता है कि हमें क्या करना है, हमें क्रिकेट खेलना है या हमारा मन पढ़ाई में लग रहा है। तो आप उन दोनों में से एक चीज़ डिसाइड करो। अगर आपको क्रिकेट खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप अभी से अपने पेरेंट्स को बोल दो कि मैं क्रिकेट खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और ज़्यादा आगे जा सकता हूँ, और जानते हो कितना कंपटीशन है। तो आप कंपटीशन को ध्यान रखते हुए अपने घर वालों से बातें करना, क्योंकि यार अगर आप बोल तो देते हो हमें क्रिकेट खेलना है, लेकिन आप जो है यहाँ पे आते हो इतना कंपटीशन देखते हो, घर वालों का पैसा भी वेस्ट करते हो, 1-2 महीना प्रैक्टिस करने के बाद जो है प्रैक्टिस छोड़ देते हो। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपके अंदर जुनून है ये सब करने का, आप आओ एडमिशन कराओ और क्रिकेट खेलो अच्छे से। अपने पे विश्वास होगा, आपको पता चल गया होगा कि हाँ मेरे अंदर क्रिकेट खेलने का जुनून है, मेरा गेम इंप्रूव हो सकता है। तो आप क्या करो, आप पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो, किसी स्कूल में एडमिशन करवा लो बैकअप में, आप कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी अच्छी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो और पढ़ाई भी साथ में करते रहो और प्रैक्टिस भी अपना शाम के टाइम या सुबह में जो है 60-70% जो अपना प्रैक्टिस में दो। तो आप ये चीज कर सकते हो। तो अगर आपकी एज 15 साल से ऊपर हो गई है और आप अभी 9th क्लास 10th क्लास पास नहीं किए हो, आपको बहुत ज्यादा टेंशन है कि मेरा क्रिकेट करियर अब नहीं बन सकता, मेरे घर वाले चाहते हैं मैं 10th के बाद 12th के बाद जाऊँ क्रिकेट खेलने, तो मोस्टली बहुत फैमिली ऐसी चाहती है, बहुत पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं कि हमारा लड़का 12 तक कम से कम पढ़ ले उसके बाद क्रिकेट खेलने जाए। तो दोस्तों अगर आपको खुद पे विश्वास है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरा लेट हो रहा है, आप अभी 9th क्लास में 10th में हो तो आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि मेरा लेट हो रहा है, मैं कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट में आगे जा सकता हूँ, तो आप क्या करो कम से कम 10th तक कर लो और 10th के बाद जो है आप 11th से किसी स्कूल में फॉर्म डाल दो, वहाँ से अपना बैकअप में पढ़ाई करते रहो। और क्या करो, किसी अच्छी एकेडमी में जाके, ऐसा नहीं कि आपको एकेडमी भटकना है, 1-2 साल उसमें बर्बाद करना, आप किसी अच्छी एकेडमी में जो है जाके एक ही बार एडमिशन करा के कंटिन्यू वहाँ पे प्रैक्टिस करो कम से कम 1-2 साल। अगर आपका गेम इंप्रूव हो रहा है तो इसके मतलब आप आगे बढ़ जाओगे। तो क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया है, जब मैं 9th में था तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है कि मुझे एकेडमी ज्वाइन करना है, मुझे भी आगे जाना है। तो क्या था कि घर वालों का भी एक होता है कि हाँ 10th तक पढ़ लो उसके बाद जाना, क्योंकि यहाँ तक मेरी भी सोच यही थी कि अगर क्रिकेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, क्रिकेट में कुछ नहीं होता है तो ना इधर का रह जाऊँगा ना उधर का रह जाऊँगा, कम से कम 10th तो पढ़ लूँ, उसके बाद 11th से जो एडमिशन करवा लूँगा उसके बाद अपना पढ़ाई भी होता रहेगा और क्रिकेट भी होता रहेगा। तो क्रिकेट में मैं 80-90% देता रहूँगा और पढ़ाई में 10% दूंगा। तो ये भी मेरा प्लान था एंड मैं यही किया। तो आप लोग भी ये कर सकते हो और मैं आपको सजेशन देना यही चाहता था जो मैंने किया। आप अगर 10th में हो तो आप कहते हैं घर वाले कि अगर 12th क्लियर कर लो तो उनसे बोलो कि मेरा 11th में कहीं बैकअप में पढ़ाई करूंगा मैं और अभी से ही जाके मैं क्रिकेट खेलूंगा। अगर आप 12th में हो, 12th पास आउट हो चुके हो, अगर नहीं भी हो तो 12th पूरा कर लो, उसके बाद जो है आप क्रिकेट में जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा लो और यहाँ के कंपटीशन देखते हुए कि क्रिकेट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है तभी आप क्रिकेट में घुसो। क्योंकि दोस्तों आप ऐसा मत करना अपने पेरेंट्स के साथ कि उनका जो है 60,000-70,000 रुपये बर्बाद करके स्टार्टिंग में 3-4 महीना प्रैक्टिस करके जो है उसके बाद फिर हम छोड़ दें क्रिकेट। तो अगर आपको आना है, खेलना है, अगर आपकी ज़्यादा हो गई तो आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपकी अकेडमी ज्वाइन करने के बाद 1-2 साल अगर आपका ज़्यादा गेम इंप्रूव हो जा रहा है 1-2 साल में तो आपको क्या करना है, पढ़ाई बिल्कुल से पीछे कर देना है और आपको 100% जो है क्रिकेट पे फोकस करना है और अपना गेम जो है इंप्रूव करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप कर सकते हो। तो आप ये मत करना कि पढ़ाई को एकदम से छोड़ देना, आप पढ़ाई भी बैकअप में करते रहना। अगर आपका क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्रिकेट में ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं
तो आप कम से कम 70-80% जो है क्रिकेट को दो, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो क्रिकेट में कितना ज्यादा कंपटीशन हमारे इंडिया में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, उतना मेहनत करने के लिए तैयार रहो। दोस्तों मैं आगे ये भी लेकर आऊंगा कि क्रिकेटर के लिए क्या टाइम टेबल होता है, और मैंने एक वीडियो बना रखा ऑलरेडी कि किसे इससे हमें क्रिकेट स्टार्ट करना चाहिए, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो कर दो लाइक और साथ में कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड टिप्स आते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले अमेजिंग वीडियो में। जय हिंद।